हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सीडी से सीडी में। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, सिद्धांत को देख रहे हैं, उसके प्रतिपादक के नाम को देख रहे हैं। थ्योरी को पूरे पूरे अच्छे से हम डीप लेवल में जाके पढ़ेंगे इसको। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी देखा जाएगा। आज का जो सिद्धांत है हम पढ़ेंगे, जिस सिद्धांत के बारे में, वो है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और ये थ्योरी जो है, जितने भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, सारे सारे जो सिद्धांत है, सारे सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, उसके प्रतिपादक के नाम इम्पॉर्टेंट है। और क्या है इसके अंतर्गत, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो थ्योरी है वो क्या है, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसमें हमें देखना है कि गार्डनर महोदय ने जो अपनी थ्योरी बनाई है वो किस पॉइंट को लेकर इन्होंने इसको बनाया है, प्रतिपादित किया है। तो जो गार्डनर महोदय हैं, इन्होंने पहले क्या किया, गार्डनर ने उस बच्चों पर रिसर्च किया जो बच्चे फेल हो जाते थे या फिर 0 नंबर पाते थे। गार्डनर महोदय ने ऐसे बच्चों पर रिसर्च किया, ऐसे बच्चों पर शोध किया जो कि क्या होते थे, जो कि हर बार एग्ज़ाम में फेल हो जाते थे और उनका नंबर क्या आता था, या तो फिर उनका नंबर 0 नंबर पाते थे। वो हर बार फेल होने वाले बच्चे या फिर 0 नंबर पाने वाले बच्चों पर रिसर्च किया। किसने? तो हम बताएंगे गार्डनर महोदय ने। और इससे हम क्या कहते हैं, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत इसे कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम टाइम में पूछा जाए कि गार्डनर महोदय ने किन बच्चों पर रिसर्च किया, तो हम क्या बताएंगे, जो बच्चे हर बार फेल हो जाते थे या फिर उनका 0 नंबर आता था, उन बच्चों पर गार्डनर महोदय ने रिसर्च किया। इसीलिए इनकी जो थ्योरी है वो किस नाम से जानी जाने लगी, जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी कहते हैं। इसीलिए इसे जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी कहा जाता है। अगर एग्जाम टाइम में जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी की बात की जाए तो हम किसका नाम लेंगे, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है। और इसे जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो गार्डनर हैं उन्होंने जो बच्चे हर बार फेल होते थे एग्ज़ाम में, जिसका नंबर 0 नंबर आता था, उन बच्चों पर रिसर्च किया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी कहते हैं। आई होप कि इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। अब हमें देखना है कि इसमें क्या होता है, जो इन्होंने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है, 10 टाइप की बुद्धियों को इन्होंने बताया है। गार्डनर महोदय ने बुद्धि की जो बात की है, बहुबुद्धि की जो बात की है, 10 टाइप की बुद्धि है। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है ये हमें देखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी थ्योरी है, मतलब कौन सी बुद्धि, बहुबुद्धि, गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी बुद्धि को ऐड किया जाएगा। तो अभी हम देखेंगे वो 10 प्रकार की जो बुद्धि है वो देखेंगे। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी किसे कहा जाता है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को कहा जाता है। कुछ दिन मेरी प्रॉब्लम और है, आप लोग ऐसे प्लीज़ इस वीडियो को, जैसे मैं अभी बना रही हूँ आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं इस टाइप का वीडियो दे रही हूँ। बट आई होप कि जल्दी ही मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ करने लग जाऊँगी और आप लोगों को सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो थ्योरियाँ हैं, मैं उसको व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से समझाऊँगी, पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो तब तक आप लोग इस टाइप से पढ़ लीजिए। आई होप कि 1 हफ्ते के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ करने लग जाऊंगी। तो नोट में हमें क्या देखना है, नोट हम देखेंगे कि जब किसी बच्चे के सामने समस्या आती है तो अलग अलग प्रकार की बुद्धियां अलग अलग कार्य करती हैं, जिससे कोई बच्चा बुद्धिमान और कोई बच्चा मूर्ख हो जाता है। इन्होंने बताया है, गार्डनर महोदय ने जो 10 प्रकार की बुद्धियों का जिक्र किया है, इन्होंने बताया कि जब किसी बच्चे के सामने एकाएक कोई समस्या आ जाती है तो जो बच्चा है वो इन 10 बुद्धियों में किसी भी के 10 जो बुद्धियां हैं उसमें से किसी भी बुद्धि का यूज कर सकता है, किसी भी बुद्धि का यूज कर लेता है। अगर वो जिस भी बुद्धि का यूज कर रहा है उससे उसके जो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जा रही है, तब तो उस बच्चे को हम बुद्धिमान कहेंगे, बुद्धि वाला बच्चा है। बट कभी कभी जो बच्चा है वो उन्हीं 10 बुद्धियों में से यूज करता है बट वो उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाती हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि बच्चा मूर्ख है। तो इसी 10 बुद्धियों का यूज़ सारे बच्चे करते हैं, उसमें से कोई बच्चा बुद्धिमान बन जाता है और कोई बच्चा क्या बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। और ये जो बुद्धियां हैं वो 10 टाइप की कौन कौन सी बुद्धि हैं ये हमें देखेंगे।
और यहाँ से क्वेश्चन छाटने के लिए आता है कि कौन सी बुद्धि को जीरो प्रोजेक्ट थ्योरी में रखा गया है, कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आती है, गार्डनर का सिद्धांत क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाते हैं पहली बुद्धि को देखते हैं। पहला क्या है, शाब्दिक या फिर भाषाई बुद्धि। इसे क्या कहते हैं, पहली जो बुद्धि है इसको कहते हैं शाब्दिक या फिर भाषाई बुद्धि कहा जाता है। पहली जो बुद्धि है वो है शाब्दिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि इसे कहा जाता है। शाब्दिक बुद्धि लिखा हुआ मिले एग्जाम में या फिर भाषाई बुद्धि, ये इसकी पहली बुद्धि है, गार्डनर के थ्योरी की पहली बुद्धि है ये। और गार्डनर ने कितने टाइप की बुद्धि बताई है, तो हम क्या बताएंगे, गार्डनर महोदय ने 10 टाइप की बुद्धि को बताया है, जिसमें से पहली है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। इसमें शब्दों और अर्थों का ज्ञान होता है, जैसे कवि। भाषाई बुद्धि में क्या मेन है, इसमें शब्दों और अर्थों का ज्ञान होता है, जैसे कवि। शब्दों अर्थों के ज्ञान से मतलब क्या होता है, शब्दों को समझने की क्षमता। आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी इसको। जो शाब्दिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि, इसमें क्या होता है, शब्दों और अर्थों का ज्ञान होता है, जैसे कवि। और क्या होता है इसमें, जैसे शब्दों के ज्ञान में क्या होता है, जैसे भाषा को समझने की क्षमता, व्याकरण को समझना, शब्दों के बीच में क्या संबंध है उसको समझना, शब्दों के बीच में जोड़ना, वर्णमाला का ज्ञान होना, अक्षर का ज्ञान होना, शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लगाना या क्रम से लगाना, उसके पीछे हुए रहस्य को, शब्दों को बोलना आदि क्षमता आता है। क्या क्या क्षमताएं आती हैं शाब्दिक बुद्धि में या फिर भाषाई में, तो हम बताएंगे इसमें क्या क्या आता है। भाषा को समझने की क्षमता आती है, व्याकरण ज्ञान आता है, शब्दों के बीच में संबंध आता है, वर्णमाला का ज्ञान आता है, अक्षर का ज्ञान आता है, शब्दों को क्रम से लगाना, शब्दों को बोलना आदि क्षमता किसके अंतर्गत आती है, तो हम बताएंगे ये है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आती है। अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो भी हम सॉल्व कर लेंगे, अगर ऐसे टाइप से पूछा जाए कि किन बुद्धियों को ऐड किया गया है गार्डनर की थ्योरी में, तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला टाइप क्या है, तार्किक या फिर गणितीय। गणितीय करके पूछा जाए या फिर तार्किक करके पूछा जाए, तो हम क्या बताएंगे, ये भी गार्डनर महोदय की थ्योरी का ही है। इसमें क्या होता है, जब किसी बालक के सामने समस्या आती है, तो समस्या के आ जाने पर जो तर्क वितर्क करती हैं, चिंतन खोजबीन करता है, वो क्या क्या होता है, तार्किक या गणितीय। जैसे गणितीय इसमें क्या होता है, गणितीय प्रश्नों को हल करना भी आता है, प्रश्न पूछना आता है, तर्क वितर्क करना, खोजबीन करना किसके अंतर्गत आता है, तार्किक या गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ये सारी समस्याएँ आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, दो बुद्धि को हमने देख लिया, पहला है शाब्दिक जिसे हम भाषाई भी कहते हैं, दूसरा है तार्किक जिसे हम गणितीय बुद्धि भी कहते हैं। अगली बुद्धि को देखते हैं, अगली जो बुद्धि है वो है दृष्टा बुद्धि या स्थानगत बुद्धि या दृष्टि बुद्धि है। दृष्टा बुद्धि, स्थानगत बुद्धि या फिर दृष्टि बुद्धि, आप लोग नाम को देख लीजिए अच्छे से, 3 टाइप के इसके नाम है, एक ही बुद्धि बट इसे 3 नाम से जानते हैं, दृष्टा बुद्धि, स्थानगत बुद्धि या दृष्टि बुद्धि होती है, दृश्य बुद्धि। इसमें क्या होता है, इसमें आंखों द्वारा देखकर कोई भी कार्य करना शुरू करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दृश्य बुद्धि कहते हैं। इसमें हमारी आंखें कार्य करती हैं, आंखों के द्वारा देखकर जो भी कार्य करना हम स्टार्ट कर देते हैं, वो दृश्य बुद्धि, दृष्टा बुद्धि, स्थानगत बुद्धि के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल में जैसे दृश्य पहेली, डिज़ाइन बनाना, कला बनाना, ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं वो क्या होती हैं, वो आती हैं दृष्टा बुद्धि या स्थान बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। ये पॉइंट भी सॉल्व हो गया आप लोगों का कि दृष्टा बुद्धि, दृश्य बुद्धि क्या होती है, तो हम बताएंगे कि हम आँखों से देखकर जिस भी कार्य को करते हैं, जिसमें हमारी आँखें गति करती हैं, कार्य करती हैं, उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, दृश्य बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे दृश्य को देखना, पहेली को सॉल्व करना, डिज़ाइन बनाना, आर्ट करना, आर्ट बनाना, रंगना, ये सारे पॉइंट किस में आ जाते हैं, दृश्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अभी तक हमने 3 बुद्धियों पर चर्चा कर ली है, पहला है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक या गणितीय बुद्धि, तीसरा है दृष्टा बुद्धि, स्थानगत बुद्धि या दृश्य बुद्धि। आगे पॉइंट देखते हैं, चौथी बुद्धि को देखेंगे, चौथा टाइप क्या है, संगीतात्मक बुद्धि या फिर लयात्मक बुद्धि।
संगीतात्मक बुद्धि या लयात्मक बुद्धि से नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसी भी इसमें क्या होता है, इसमें किससे क्या ज्ञान होता है, हमें तो हम बताएंगे। किसी भी बालक को वह बुद्धि, किसी भी बालक की वह बुद्धि जिसमें उतार चढ़ाव पता चलता है। संगीतात्मक बुद्धि या फिर लयात्मक बुद्धि में क्या होता है, किसी भी बालक की वह बुद्धि जिससे उतार चढ़ाव का पता चलता है। इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे वीर रस का अगर हम पोएम पढ़ रहे हैं, वीर रस की कविता बोल रहे हैं हम, तो उसमें क्या होता है, स्वर को चढ़ा कर बोला जाता है, और करुण रस में स्वर को उतार कर बोला जाता है। पहेलियाँ या फिर कविताएँ वैसी होती हैं, अगर कविता में मतलब लय का उतार चढ़ाव ना हो तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये वीर रस का है, करुण रस का है, हास्य रस का है। उसी टाइप को हमें, उस टाइप से हमें उसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तब जाकर ये सारे जो हैं, जो लय का उतार चढ़ाव है वो प्रदर्शित होता है। अगर वीर रस का कोई पोएम हमें बोलना है तो हम स्वर को चढ़ा कर बोलेंगे वहीं पर, अगर हमें करुण रस का बोलना है तो हम क्या करेंगे, स्वर को उतार कर बोलेंगे। ये सारी बुद्धियाँ किसके अंतर्गत आ जाती हैं, संगीतात्मक बुद्धि या फिर लयात्मक बुद्धि में। इसमें स्वर के उतार और चढ़ाव का पता चलता है, किसी भी बालक की ये बुद्धि होती है। अगली जो बुद्धि है वो क्या है, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि है। अगली बुद्धि है पांचवें प्रकार की जो बुद्धि है वो क्या है, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि। इसमें क्या होता है, किसी भी बालक की वह बुद्धि जो शरीर की गतिविधियों का बोध करवाती है। शारीरिक गतिबोधक बुद्धि क्या होता है, ऐसी बुद्धियाँ जो किसी भी बालक की शारीरिक गतिविधियों को रिप्रेजेंट करती हैं, बोध कराती हैं, उसी को हम शारीरिक गतिबुद्धि कहते हैं। इसमें क्या कौन कौन आ जाते हैं, जैसे खिलाड़ी आ गए, घुड़सवार आ गए, एक्टर्स लोग आ गए, इसमें आते हैं ये लोग। ये अपने शरीर को, शरीर के प्रदर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एक्टिविटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कलाकार, खिलाड़ी, अपनी बॉडी को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है, बॉडी को नियंत्रित करने की क्षमता होती, बॉडी की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं शारीरिक गतिबोधक बुद्धि में। ये पांच प्रकार की बुद्धियों को आपने देख लिया है। पहला है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, पहला है जिसे हम शाब्दिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि कहते हैं, दूसरा है तार्किक या गणितीय बुद्धि, तीसरा है दृष्टा बुद्धि, स्थानगत बुद्धि, दृश्य बुद्धि, चौथा है संगीतात्मक बुद्धि, लयात्मक बुद्धि, और पांचवा क्या है, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, जिसमें शरीर के क्रियात्मकता को, शरीर के क्षमता को, शरीर की गतिविधियों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे खिलाड़ी, घुड़सवार, कलाकार, एक्टर्स जिसे हम कहते हैं, ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं। अगली जो बुद्धि है वो क्या है, अंतः वैयक्तिक, इंट्रा प्रश्नल है ये। इंट्रा प्रश्नल में क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, इंट्रा प्रश्नल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, इंट्रा प्रश्नल, खुद से बात करना। क्या होता है इसमें, अंतः वैयक्तिक में क्या होता है, खुद से प्रश्न करना और खुद से ही उत्तर ढूंढना। स्वचिंतन आ जाता है इसमें, स्वनिर्देशन आ जाता है, स्वतर्क आ जाता है। आप लोगों ने इसको रिसर्च में भी देखा होगा कि अंतः वैयक्तिक क्या होता है और अंतर वैयक्तिक क्या होता है, ये आप लोगों ने रिसर्च में भी इसको पढ़ा होगा। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये इंट्रापर्सनल, ये INTE जो लिखा है ये क्या है, इंटेलिजेंस। आप लोग इसको पूरी स्पेलिंग फिल कर सकते हैं, अंतः वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, खुद से प्रश्न करना और खुद से उत्तर ढूंढना होता है, खुद के विषय में सोचना होता है, खुद से बात करना होता है, खुद से प्रश्न को सॉल्व करना होता है, किसी से अपने मन की बात नहीं करना, खुद के बारे में खुद से ही सोचना, खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना, खुद से क्वेश्चन करना, खुद से आंसर ढूंढना ही होता है। और इसमें क्या क्या आ जाता है, स्वचिंतन आता है, स्वनिर्देशन आता है, स्वतर्क आ जाता है इसके अंतर्गत, अंतः व्यक्ति जिसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगला देखते हैं, सातवें नंबर की जो बुद्धि उसे क्या कहते हैं, अंतर वैयक्तिक बुद्धि या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, दूसरों के बारे में सोचना या बात करना। इसमें जो अंतर वैयक्तिक इंटरपर्सनल होता है, इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, दो या दो से अधिक लोगों से बातचीत करना, क्वेश्चन पूछना, सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये क्या होता है, अंतर वैयक्तिक होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों से बात करना, दूसरों से प्रश्न पूछना, दूसरों से उत्तर पाना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अंतर वैयक्तिक होती हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं।
आठवें नंबर का जो है ये क्या है, आठवें नंबर का है आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि में क्या आता है, ऐसी बुद्धि जो धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में कार्य करती हैं। धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में कार्य करना ही क्या कहलाता है, आध्यात्मिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम बताएंगे कि आध्यात्मिक बुद्धि जो है वो क्या होती है, धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में कार्य करवाती है, धार्मिक प्रवृत्तियों को रिप्रेजेंट करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। अभी हमें दो बुद्धियों को और देखना है, ये भी देख लेते हैं हम। अगला जो पॉइंट है, नवा पॉइंट है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या होता है, वह बुद्धि जो किसी भी बालक के अस्तित्व से संबंधित होती हैं, खुद से खुद के अस्तित्व को बताना। अस्तित्ववादी जो बुद्धि होता है ये क्या होता है, ये वह बुद्धि होती है जो कि किसी बालक के अस्तित्व से संबंधित होती है। समाज में उसकी क्या अस्तित्व है, उसका क्या अस्तित्व, उसका खुद का क्या अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को रिप्रेजेंट करना ही अस्तित्ववादी बुद्धि कहलाता है। अगला बुद्धि देख लेते हैं हम, दसवां बुद्धि जो कि लास्ट है, लास्ट बुद्धि को देखेंगे। लास्ट बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में क्या आता है, किसी भी बालक में वह बुद्धि जो प्रकृति के बीच में समस्या का समाधान कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। किसी भी बालक के अंदर की वह बुद्धि जो कि प्राकृतिक समस्याओं को प्राकृतिक जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। ये हैं 10 टाइप की बुद्धि जो कि गार्डनर महोदय ने अपनी थ्योरी में बताया है। बहुबुद्धि थ्योरी का जो सिद्धांत दिया है उसमें 10 टाइप की बुद्धि को उन्होंने बताया है। क्या क्या बुद्धियाँ हैं इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं, इसको सीरियल वाइज से करके देख लेते हैं कौन कौन सी बुद्धियों को इन्होंने दिया है। पहले जो बुद्धि है वो है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि है। दूसरा है तार्किक या गणितीय बुद्धि। तीसरी है दृष्टा बुद्धि, स्थानगत बुद्धि या दृश्य बुद्धि। चौथा है संगीतात्मक बुद्धि या लयात्मक बुद्धि, जिसमें स्वर लय के स्वर मतलब स्वर के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित किया जाता है इसमें। अगला जो पांचवा है वो है शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और लास्ट है प्राकृतिक बुद्धि। लास्ट जो है वो क्या है, तो हम बताएंगे ये प्राकृतिक बुद्धि है। ये सारे पॉइंट हो गए क्लियर। अभी हमें कल क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमें कल क्या देखना है, कल जो हमारा पॉइंट है ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। जो विभिन्न स्टेज हैं, अवस्थाएं हैं, किस अवस्था में किस चीज़ का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, ये हम देखेंगे। और कल की क्लास हमारी बहुत लंबी होने वाली है, इसमें हम देखेंगे ढेर सारी चीज़ों को, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, और जो अवस्थाएं हैं गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।